अब से थोड़ी देर में सीएम पद की शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर बनेंगे नीतीश कुमार, बड़ी खबर। शपथ ग्रहण में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। अपडेट दीजिए, क्या क्या जानकारी आ रही है वहां से रूपेश, तुरंत जानकारी दीजिए, क्या क्या वहां पर अपडेट है, अभी कितनी देर में होगा, क्या क्या कुछ झलकियां बताइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए, जेपी नड्डा और अमित शाह पटना पहुंच गए हैं, स्टेट गेस्ट हाउस ठीक मेरे सामने है, वहां पर इंतजार कर रहे हैं, राजभवन पहुंचेंगे। एक बार राजभवन का नजारा एक बार देख लीजिए, हालांकि कोरोना काल है, बावजूद इसके भीड़ जितने जो मंत्री हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है और बाकी शहर के जो गणमान्य लोग हैं वो सब राजभवन पहुंच चुके हैं, उनके साथ उनके समर्थकों का हुजूम, क्योंकि ज़्यादातर जो मंत्री हैं वो पहली बार मंत्री बन रहे हैं। भाजपा कोटे से मंगल पांडे को छोड़ दें और रेणु देवी एक बार मंत्री रही हैं, बाकी सभी नए चेहरे हैं, पहली बार मंत्री बन रहे हैं। अगर जेडीयू के कोटे से देखें तो जेडीयू के कोटे में दो नए चेहरे जो पहली बार मंत्री पद की शपथ लेंगे, लिहाजा ना सिर्फ वो बल्कि उनके समर्थक भी खासे उत्साहित हैं। और आज सातवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे, उनके साथ दो दो उप मुख्यमंत्री होंगे, सुशील कुमार मोदी नहीं होंगे। पहली बार होगा जब भाजपा के साथ वो सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार, लेकिन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी नहीं होंगे और उनके जगह पर दो दो ऐसे लोग होंगे जो दो ऐसे विधायक हैं जो पहली बार उप मुख्यमंत्री, रेणु देवी मंत्री, क्योंकि आप बार बार उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, जरूर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।